रमज़ान अल मुबारक का बबरकत महीना जारी है सारी है। पहला जुमत अल मुबारक है तुहानू सारयां नू रमज़ान का पहला जुमत अल मुबारक बरकतों वाला जुम्मा मुबारक होवे। ये बड़ा ही बरकतों वाला जुमत अल मुबारक जिंदगी च जुम्मे तो आते ही रहते हैं पर जिहड़ा रमज़ान अल मुबारक का जुम्मा है जिहड़ा अल्लाह के पाक महीने का जुम्मा है यदि क्या बात है। फिर पहला जुम्मा इब्तदाई जुम्मा इस जुम्मे दियां बरकतां अल्लाह नसीब करे। रमज़ान अल मुबारक दे पहले जुम्मे दियां अल्लाह रहमतां नसीब करे। रमज़ान अल मुबारक दे पहले जुम्मे दे अंदर अल्लाह सानू सारयां नू साडे गुनाहां तों अल्लाह सानू माफ़ फरमाए। जिस तरह ज्यों ही रमज़ान अल मुबारक शुरू होंदा है ते राशन तकसीम किया जाता है गरीबां बंदियां वास्ते, जी राशन वंडिया जा रहा जी गरीबां वास्ते, इहदे विच दो तीन बातें जरूरी हो समाध फरमा लो। पहली बात यह वे कि राशन देना चाहिए गरीब लोगों तक पहुँचाना चाहिए अपने मुहल्ले विच अपनी गली विच अपने इलाके विच अपने पिंड दे विच। वेखो कि केड़ा ऐसा गरीब है कि जिन्हों राशन की लोड़ है जिन्हों राशन की जरूरत है उन्हें खाना भी है उहदे बच्चे भी ने। क्योंकि इस टाइम मुल्के पाकिस्तान अंदर बहुत ज़्यादा गुरबत है, तकरीबन 80-90% लोग गुरबत की जिंदगी बसर पर करते हैं। हुण जिस बंदे दी 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह है वह किवें गुजारा करेगा, दो चार उहदे बच्चे भी ने बीवी भी है वालदैन भी ने, तो वह खर्चा करना 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह लैके राशन लैके आवे या बिजली का बिल दे या फीसा दे या किताबा, बड़े अखराजात ने। उन्हें गरीबों पर नज़र रखो इस महीने के अंदर यार, जिहड़े गरीब लोग ने जिहड़े वाकई मुस्तहिक लोग ने उन्होंने घर तक राशन पहुँचाओ, उन्होंने माली तावन करो, उन्होंने कपड़े उन्होंने बच्चियों दी जुतियां दे कपड़े उस तो बाद पैसे उन्होंने दवो कि कोई गरीब ऐसा ना रवे। क्योंकि रमज़ान के अंदर सखावत की बड़ी फजीलत है। एक अल्लाह के नबी गुजरे ने अदर तवज्जो फरमाए जिहड़ा रमज़ान च राशन तकसीम करता है अल्लाह की राह खर्च करता है। बड़े बड़े अल्लाह लोग ने जिहड़े सहरियां भी करवा रहे ने इफ्तारियां भी करवा रहे ने, अल्लाह ने उन्होंने दिता है तो वह अल्लाह की मखलूक दे नाल प्यार मुहब्बत कर रहे पे ने, उन्होंने खाना पेश करते पे ने अदब दे नाल। एक अल्लाह दे पाक पैगंबर आ जुमले सुनिया जे शैतान की उन्होंने मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछया भी शैतान ने पूछया भी तेरा यार केड़ा है ते तेरा दुश्मन केड़ा है, तो शैतान कहन लगा कि जेड़ा बंदा नेक है परहेजगार है। इधर सुनियो जेड़ा बंदा नेक है परहेजगार है आला है बखील है, पांच वक्त का नमाजी भी है हाज भी किए ने उमरे भी किए ने हर चीज़ है लेकिन है बखील है बुखल करता है सखी नहीं। शैतान कहन लगा कि मैनू उस बंदे को डर कोई नहीं, मैनू उस बंदे को डर कोई नहीं जेड़ा बंदा फासिक होवे गुनाहगार होवे लेकिन होवे सखी। की होवे सखी? शैतान कहंदा मैनू उस बंदे को डर लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया किवें? कहंदा हो सकता है कि अल्लाह ताला उहदे गुनाह ना वेखे उहदी सखावत वेख के अल्लाह उहनूं जन्नत अता फरमा छड्डे, तो जिहड़ा बखील है नमाजी है परहेजगार हो सकता अल्लाह उहदी बुखल की वजह तो उहदी पकड़ कर ले। एडा वड्डा काम जो सखावत करना। फिर साडे मुल्क के अंदर जिन्हें कोई 10 तोड़े आटे के वंडने ने चीनी वंडनी है 10 कैमरे वाले तो मोबाइल वाले सामने खलोते होने ने भी वीडियो बनाओ जी पता लगे जी चौधरी साहब राशन दे रहे हैं, MPA साहब राशन दे रहे हैं, MNA साहब राशन दे रहे हैं। ए जुमले समाज फरमाए उन्हों की बकायदा पर्देदार बीबिया की इज्जत लोगों के सामने चढ़ाई जाती फेसबुक से यूट्यूब से सोशल मीडिया से जी ऐ जी राणा साहब जी मलक साहब जी फलां साहब राशन पे वंडते हैं। मैनू ईमानदारी ना दसो एक गुरबत ने मारिया एको बेचारी राशन लैन आई तो दूसरा तुसा उन लोगों के सामने अयां कर छड़िया कि ऐब औरत पता नहीं वो पर्दे की हालत में आई होनी उन्हें किसी ने नहीं दस्या होना कि मैं शहरों राशन लैन जा रही हूँ बच्चों वास्ते, इन्होंने तस्वीर बना के इन्होंने वीडियो बना के क्या वो पूरी दुनिया तो नहीं जाती तस्वीर वीडियो वो पिंड वाले भी वेखणगे वो रिश्तेदार भी वेखणगे वो की आखणगे कि तू राशन लैन गई सर। यार जे कल्ला ने पर्दा रखे है तो तुसी अपनी बल्ले बल्ले वास्ते वाह वाह वास्ते राशन तकसीम किया लैणा लगियां ने तुसी जाओ ना सियालकोट शहर के अंदर बीबिया बेचारियां लैणा च खजल पी होंदियां सुबह तो लैके शाम तक तो बाद च चौधरी साहब ने 1000 रुपया देने है सारा दिन लैण च खिलारना उन्हां दी तजलील करनी है। आप ही चौधरी साहब कुर्सी से बैठे ने मंजी से बैठे ने तो गरीब आवाम का तमाशा विखाया जा रहा है।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ, ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੋੜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1000 ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, 1000 ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 1000 ਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਇਫਤਾਰੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣ, ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੋੜਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨੀਚੇ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲੀ ਕਰਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਅੱਲਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ।